हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी इस नई वीडियो। हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की ही महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ वाराणसी विश्वविद्यालय के बारे में, जिसके यूजी एंड पीजी डिप्लोमा कोर्सेज की प्रवेश परीक्षाएं जारी हो चुकी हैं। जो विद्यार्थी अपना यहां पर रहकर एंट्रेंस एग्जामिनेशन या अपना ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन कम्प्लीट करना चाहते हैं, वे यहाँ से आवेदन प्रक्रिया शुरू कर सकते हैं या आवेदन कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस आवेदन की शॉर्ट डिटेल्स क्या क्या है, एप्लीकेशन फ़ीस क्या है, इंपॉर्टेंट डेट क्या है। इसकी डेट्स की बात की जाए फ्रेंड्स, तो आपको एप्लीकेशन की शुरुआत 3/4/2021 में मिल जाएगी और लास्ट डेट आपको 3/5/2021 में ही मिल जाएगी। इसका फेस पेमेंट का लास्ट डेट 3/5/2021 से आएगा, विद अगर आप लेट होते हैं तो आपको 200 रुपये प्लस 12/5/2021 तक पे करना होगा। अगर आप थोड़ा और लेट होते हैं तो आपको 500 प्लस 18/5/2021 तक पे करना होगा। नेक्स्ट स्टेप आपको आता है एप्लीकेशन फ़ीस। एप्लीकेशन फ़ीस की बात की जाए यहाँ पे तो 600 से लेके 1050 रुपये तक कोर्सेज वाइज फ़ीस रखी गई है, जिसका पेमेंट आप नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू एंड क्रेडिट कार्ड के थ्रू भी कर सकते हैं, जो सुविधा आपके पास सुटेबल उपलब्ध हो। देन कोर्सेज की बात कर ली जाए, अंडर ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पर BSc, BFA, BA मास कम्युनिकेशन देखने को मिल जाता है। जिसकी रिजल्टी की बात की जाए तो यहाँ पर 10+2 इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से। नेक्स्ट कोर्स आता है पोस्ट ग्रेजुएशन। पोस्ट ग्रेजुएशन में आपको यहाँ पे MA, MFA मिल जाता है और साथ में PGDCA, MCOM एंड MSW मिल जाता है। जहाँ पर एजुकेशन की बात की जाए तो बैचलर डिग्री आपको अपेयरिंग या पास जरूर होना है। देन लास्ट में आते हैं अदर कोर्सेज के बारे में, जहाँ पर आपको LLB, MEd, BA, BA LLB आपको देखने को मिल जाता है। जिसकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो कोर्सेज की एलिजिबिलिटी के लिए यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन को रीड करना होगा। देन फ्रेंड्स, नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, जहाँ पे आप जाकर नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते। ये जानते हैं इसके आवेदन की प्रक्रिया के विषय में, किस प्रकार से इसका आवेदन किया जा सकता है। सबसे पहले आते हैं इसके मेन एंड ऑफिशियल पेज पर, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहाँ पर जाकर आप क्लिक करते ही आप मेन पेज पर आ जाएंगे। तो यहाँ UG कोर्सेज चुन लिया है, आप अपने कोर्सेज का अप्लाई ठीक इसी प्रकार से कर सकते हैं। यहाँ हम BA के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको सिंपली BA वाले बटन पे अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको एक पॉपअप मेनू आता है, जहाँ पे लिखकर यह आएगा कि 2019 के पूर्व इंटरमीडिएट समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थी किसी भी सनातन कक्षा में सत्र 2021-22 में प्रवेश हेतु पात्र नहीं है। आपको आपका रजिस्ट्रेशन पेज खुलकर ओपन आ जाता है, जहाँ पे सबसे पहले आपको इंग्लिश के अक्षरों में आपको यहाँ पे अपना नाम टाइप करना है। नाम टाइप करने के बाद आपको अपने नाम को हिंदी में टाइप करना है। देन उसके बाद आपको फादर नेम एंड मदर नेम को एंटर कर देना है। इसके बाद अपनी हाई स्कूल से रिलेटेड, हाई स्कूल में जिस प्रकार से आप जन्मतिथि दी हुई है उस जन्मतिथि को यहाँ पे फिलअप करना है। फिलअप करने के बाद आपको यहाँ अपने पहचान पत्र की संख्या, आधार कार्ड का संख्या यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको जेंडर का चयन करना है। जेंडर चयन के बाद आपको कैटेगरी चूज़ करना है। चूज़ करने के बाद आपको सिंपली अपने संरक्षक या गार्जियन का नाम, कोई भी हो सकता है, फादर, मदर, ब्रदर, सिस्टर, कुछ भी, गार्जियन का एक नाम डालकर यहाँ पे वहाँ पे अपना संबद्ध संरक्षण का एड्रेस डालना है, साथ दीजिए। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको आपकी एड्रेस का डिटेल मिल जाता है, जहाँ पे आपको अपने कम्युनिकेशन एड्रेस की पूरी सारी डिटेल देनी होती है, जहाँ पे आपको अपना ग्राम, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एंड पिन कोड को चूज़ करना होता है। यहाँ हमारा एड्रेस फिलअप तो हो गया है। देन उसके बाद आपके आता है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जहाँ आपको अपनी सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ फीड करनी है। सबसे पहले एक मोबाइल नंबर जो सुचारू रूप से चलती कंडीशन में होना चाहिए, उसके बाद आपके गार्जियन का मोबाइल नंबर, जो आपने गार्जियन का नाम डाला है उसका एक यहाँ पर मोबाइल नंबर होना चाहिए जो भी चलती कंडीशन में हो उपलब्ध। उसके बाद देन आपको अपनी ईमेल आईडी एंटर करना है। ईमेल आईडी का एंटर करने के बाद सिंपली थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पे अपनी एजुकेशन डिटेल डालनी होती है, जहाँ पे सिर्फ इंटरमीडिएट एंड हाई स्कूल का डिटेल यहाँ पे आपको फिलअप करना है। यहाँ सबसे पहले आपको अपनी परीक्षा का नाम, उसके बाद आपको बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी चूज़ करनी है, आपकी पासिंग ईयर प्लस आपका अनुक्रमांक, साथ ही आपको एविडेंट मार्क एंड मैक्सिमम मार्क को यहाँ पे डाल देना है। आपके डिवीज़न क्या है, आप फर्स्ट आए हैं, सेकेंड आए हैं, थर्ड आए हैं, जो भी आपके डिवीज़न है आप वहाँ से चूज़ कर लेना। ठीक इसी प्रकार से इंटरमीडिएट की भी सारी डिटेल यहाँ पे एंटर कर देनी है। उसके बाद आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे आ जाना है, जहाँ पे आपको अधिभार का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पर आपको खेल कूद से रिलेटेड और साथ ही NCC सर्टिफिकेट लगाने का ऑप्शन मिलता है, जिससे आपको कुछ अंकों की छूट दी जाती है। आपके पास अगर ये कोई सर्टिफिकेट अवेलेबल है तो आप यहाँ पर ऑप्शन में चूज़ कर सकते हैं या अपना डाटा फिलअप कर सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो सिंपली इसे खाली छोड़ दीजिए। खाली छोड़ने के बाद नीचे सीधा थोड़ा सा आ जाइए। थोड़ा सा नीचे आने के बाद आपको यहाँ पर आपको 36 आरक्षण देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको ध्यानपूर्वक से पढ़कर यस या नो पे
टिक करना होता है। देन हमने सारी डिटेल पढ़ ली है, इसके बाद हमने यहाँ पे सभी ऑप्शन पे टिक करके चूज़ कर लिया है। और थोड़ा नीचे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ पे चूज़ बटन पे क्लिक करते ही आपको अपना फ़ोटो को चूज़ कर लेना है। फ़ोटो चूज़ करने के बाद आपको सिंपली सिग्नेचर को चूज़ करना है। सिग्नेचर चूज़ करने के बाद आपको सिंपली थोड़ा सा नीचे आने के बाद एग्री बटन पे क्लिक करके कैप्चर कोड भर के आपको सिंपली इसे सबमिट फॉर्म पे क्लिक कर देना है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, आपको सबमिट तभी करना है जब आपकी सारी डिटेल एकदम करेक्टली सही हो, अन्यथा इस फॉर्म में संशोधन का कोई ऑप्शन नहीं है फ्रेंड। देन फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे सबमिट होते ही सिंपली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर कंप्लीट हो चुका है, जहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन नंबर साथ ही कोर्सेज के लिए जो अप्लाई किया है आपने वही डिटेल, आपकी बेसिक्स डिटेल्स, फादर नेम, मदर नेम एंड आपके डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे देखने को मिलता है। साथ ही आपको यहाँ पे फीस देखने को मिल जाती है, इसका पे आउट आपको करना है। सिंपली आवेदन शुल्क जमा करने वाली बटन पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे एक पॉपअप मेन्यू ओपन होकर आता है, जहाँ पे आपको डिटेल्स वेरीफाई करने का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे तीन बैंक का ऑप्शन है, जहाँ जिसके थ्रू आपको पेमेंट को कंप्लीट करना है, HDFC बैंक, इलाहाबाद देन ICICI बैंक। देन आपको कोई सा भी एक बैंक चूज़ कर लेना है। चूज़ करते ही फ्रेंड्स आपको सिंपली कुछ इस प्रकार का पेज ओपन करके आता है, जहाँ पे आपको चार ऑप्शन मिल जाते हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड एंड रुपे डेबिट कार्ड। साथ ही नेट बैंकिंग का ऑप्शन मिल जाता है, नेट बैंकिंग के माध्यम से भी आप पेमेंट को कर सकते हैं। देन आपको सिंपली यहाँ पे अपने डेबिट कार्ड का नंबर एंटर करना है। नंबर एंटर करने के बाद आपको सिंपली उसे पेमेंट के लिए प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड होते ही फ्रेंड्स आपके एक मोबाइल पर OTP आएगा, जिसका यहाँ पे सत्यापन करा के आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करा सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट होने के बाद इसे डाउनलोड करके या प्रिंट आउट निकाल के सेफली इसे रख लें। सर, वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें, ताकि हमारी वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुँचे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।